हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा लावा फ़ोन है, लावा फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में होम स्क्रीन सेटिंग्स है, तो होम स्क्रीन सेटिंग्स को आप सेट कैसे कर सकते हैं लावा फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग्स पे जाकर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन के आइकन्स हैं इस तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाला आइकन ओपन ही आएंगे, फ़ोन की सेटिंग्स को भी ओपन कर लेंगे। तो फ़ोन की सेटिंग्स भी ओपन हो जाएगी, फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में होम सेटिंग है, तो होम स्क्रीन सेटिंग को सेट कैसे करेंगे, तो आपको डिस्प्ले पे जाना है। डिस्प्ले सेटिंग्स ओपन ही आएगी, जहाँ से आपको होम सेटिंग पे चले जाना है, तो होम सेटिंग्स आपकी ओपन आएगी। इसमें हमारे पास बहुत सारी सेटिंग्स आ जाते हैं, जैसे होम नोटिफिकेशन डॉट सेटिंग, जिसको ऑन ऑफ करके अपने ऐप्स वगैरह पे डॉट को सेट कर सकते हैं। लेआउट को आप सेट कर पाएंगे, लेआउट डिस्प्ले को अपने होम स्क्रीन पर डिफरेंट टाइप के लेआउट सेट हो जाएंगे। इसी तरीके से देखते हैं, हमारे पास ऑप्शन आता है, नॉर्मल लेआउट को आपने सेट कर दिया है। कस्टमाइज ऐप आइकन्स को आप कस्टमाइज कर सकते हैं, या फिर कस्टमाइज ऐप नेम कर सकते हैं, यहाँ से चेंज वगैरह करना चाहते हैं। आइकन साइज इनके डिस्प्लेस कर सकते हैं, यहाँ से इस तरीके से इनके डिस्प्ले हो जाता है। और साथ में जैसे आप देख सकते हैं कि और भी ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। डेस्कटॉप मोड को आप चेंज कर पाएंगे, होम और डेस्कटॉप मोड इस तरीके से शो करेगा। और जैसे फोल्डर थंबनेल डिस्प्ले, यहाँ से थंबनेल ला सकते हैं फोल्डर वगैरह पे। ये ऐप नेम लेंथ को ऑन ऑफ कर सकते हैं, लेआउट लॉक इट कर सकते हैं जैसे जो भी आपके लेआउट है, या बॉटम पे कॉलम टाइटल को भी आप ऑन ऑफ करके सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप होम स्क्रीन सेटिंग्स को सेट कर सकते हैं लावा फोन में। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।